हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क नाइट मेटल के एक और एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स और वीडियोस नहीं देखे तो इस चैनल पर बनाए गए डार्क नाइट मेटल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इससे पहले के वीडियोस और आगे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 50,000 साल पहले जो एक हिस्ट्री थी वो अब एक स्टोरी बन चुकी थी। सबसे पहले तीन ट्राइब्स थे, वुल्फ, बियर और बर्ड। लेकिन थोड़े वक्त के बाद एक और ट्राइब वहां पर पैदा हो गया जो कि था डार्क ट्राइब, जिसने सब कुछ ट्विस्ट कर दिया और उसके ड्रीम डार्क ड्रीम थे जो कि अब मेटल में कन्वर्ट हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं आज का वक्त, जहां पर जस्टिस लीग के सुपर हीरोज एक लड़ाई लड़ रहे थे। सारे हीरोज उन रोबोट से लड़ रहे थे, लेकिन बैटमैन उसे कुछ क्लू नजर आता है और वो अपने साथ लड़ रहे रोबोट के चोट में लगे हुए एक बटन को पुश करके उस रोबोट के अंदर चला जाता है और बाकी लीग मेंबर से भी ऐसा ही करने को कहता है। और ऐसा करने के बाद वो सारे रोबोट्स मर्ज होकर एक बहुत बड़ा जायंट रोबोट बनाते हैं और उसी जायंट रोबोट के साथ वो मोगल को हरा देते हैं। यहाँ पर सारे सुपर हीरोज वापस आ रहे थे अर्थ पर, जहाँ पर अल्फ्रेड बैटमैन को मैसेज करके ये कहता है कि गौतम में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है जो आपको यहाँ आकर देखनी होगी। और तब सारे लीग के मेंबर वहाँ जाकर देखते हैं कि गौतम सिटी के बीचों बीच एक पहाड़ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर फ्लैश उस पहाड़ में एक डोर ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक बहुत बड़ा डोर मिल भी जाता है, जिस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब साइन था। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी अजीब चीजें दिखती है, जिसमें से एक एंड्रॉइड दिखता है साइबॉर्ग को, जिसे उस शुरू करने के लिए उसे रिबूट करने लगता है। तभी उस माउंटेन के अंदर कुछ लोग आते हैं, जिसमें से एक लेडी कहती है, मेरा नाम कैंड्रा सॉन्ड्रस है और मैं यहाँ पर आया हूँ एक बहुत बड़े इन्वेजन को होने से रोकने के लिए। और वो कहती है तुम सब लोगों को मेरे साथ चलना होगा, जिस पर सुपरमैन और फ्लैश मना कर देते हैं। लेकिन वो बताती है कि ये एक शुरुआत है किसी बहुत बड़े इन्वेजन की। वो उन सबको ले जाती है साउथ पैसिफिक में, जहाँ पर वो समझा रही थी कि मेरा पति कार्टर हॉल, उसने एथ मेटल के बारे में जानने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। उसने बहुत सारे प्रयोग किए, एक साइंटिस्ट की टीम बनाई अपने जैसे ही और बनाया रेड टोर्नेडो को, लेकिन वो इसकी तहकीकात करते हुए कहीं पर गायब हो गया और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। और लीग के सामने वो मल्टीवर्स का मैप दिखाकर कहती है इन 52 मल्टीवर्स में से वो एंथ मेटल कहीं से नहीं आया था, जिस पर फ्लैश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इन 52 मल्टीवर्स के अलावा कुछ और है ही नहीं, वो कहां से आ सकता है। जिस पर वो मैप उल्टा करके कहती है इससे, इस डार्क मल्टीवर्स से, जो हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है और हमारी दुनिया से बहुत ओल्ड है। साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला था कि मैटर और एंटी मैटर है, लेकिन उन्होंने ये भी ढूंढ निकाला कि यहाँ पर एक थर्ड मटेरियल है जो है डार्क मैटर, और वो हमारे आसपास है लेकिन हमने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। इस पर फ्लैश कहता है अगर ऐसी बात है तो सब कुछ तबाह होने वाला है ना, अगर ये सच है तो मुझे प्रूफ दो। इस पर वो कहती है प्रूफ, इसके लिए किस बात का प्रूफ चाहिए, मेरे पति ने एक जर्नल लिखा था और उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा गया था। वो आगे बताती है कि उन्हें एंथ मेटल के ऊपर रिसर्च करते वक्त एक डीमन मिला था, वो डीमन जो यहाँ पर आने के लिए कई सेंचुरी से ट्राई कर रहा था, एक ऐसा बिस्ट जो इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, उसका नाम लिया जा सकता है बारबाटोस, और वो बारबाटोस किसी ह्यूमन डोरवे के जरिए यहाँ पर आएगा, वो ह्यूमन जिसने 5 डिवाइन मेटल्स को टच किया हो और उसी के साथ ट्रीट किया गया हो जो पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। और इसकी शुरुआत होती है वेगॉन से, वो ह्यूमन डोरवे किसी वेगॉन नाम के शख्स का होगा और वेगॉन का रूट नेम है वेन, यानी कि बैटमैन। जिस पर सुपरमैन कहता है अगर तुम्हारी थ्योरी सही है तो भी तुम बैटमैन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, वो डीमन 1000 ईयर से सिर्फ बैटमैन को टारगेट करने के लिए जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और मजाक करते हुए बैटमैन से कहता है प्लीज ये कह दो बैटमैन कि तुम इसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी वो लोग उस पर हथियार तान कर कहते हैं कि हम आपको जाने नहीं दे सकते, और कैंड्रा कहती है मैंने इसके लिए अपने विंग्स काट लिए, जब मेरे पति चले गए तब मैंने यही अपना मिशन बना लिया। लेकिन तभी रेड टोर्नेडो ऑनलाइन आ जाता है। ऑनलाइन आने के बाद रेड टोर्नेडो ये कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को वार्न किया था कि डोर मत खोलना, लेकिन किसी ने डोर खोल दिया और तब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर बैटमैन एंथ मेटल का प्योर फॉर्म लेकर वहां से भाग जाता है। जिस पर कैंड्रा कहती है तुमने बैटमैन को भगा दिया और उसने एंथ मेटल का वो प्योर फॉर्म भी चुरा लिया। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है तुम लोग हमें और बैटमैन को यहां पर लेकर आए थे तो ये तुम्हारा ही प्लान हो सकता है, और अगर बैटमैन भाग चुका है तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ
कि अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। और तब हम देखते हैं बैटमैन को एक डायनासोर के ऊपर चढ़कर वहाँ से भागते हुए। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर फेट इस डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे और कह रहे थे कि ये विजन एंटमैटर से जुड़ा हुआ है, कुछ आ रहा है, कुछ ऐसी झलके जो डार्क आर्मी से कनेक्टेड है और वो बहुत ही पास आ चुका है। तभी दूसरी तरफ बैटमैन अपने बैटकेव में उस एंथ मेटल को स्टडी कर रहा था, इसकी पावर्स और उसकी वीकनेस ढूंढ रहा था। और तभी और जानकारी पाने के लिए वो जाकर चेक करने लगता है जर्नल जो कि लिखा गया था कार्टर हॉल ने। और तभी वहां पर आता है ड्रीम ऑफ द एंडलेस जो उसे बताता है कि मैं हूँ ड्रीम ऑफ द एंडलेस और मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये नाइटमेयर्स यानी कि ये बुरे सपने ये अभी तो शुरू हुए है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।